हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं एक बहुत सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ। ये एक्चुअली मैंने खुद सीखी है मेरे स्टाफ से, जो मेरा कुक है उसने बनाई थी पहली बार और हम सबको बहुत अच्छी लगी, और मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को बना के भेजी। ये लॉकडाउन के टाइम पे और क्या भेजो एक दूसरे को, कुछ खाना बना के भेजो स्वादिष्ट। सो दिस इज लाइक अ पालक एंड पनीर के साथ पिस्ता का फ्रैंकी और काठी रोल, जो भी आप कहें, बहुत मजेदार है। तो देखिए, बनाइए, एंजॉय करिए, और इसका का कंप्लीट मील अगर आप वो खा लें तो आपको फिर अलग अलग दाल सब्जी सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पनीर और पालक पनीर और रोटी है, सो यू कैन मेक इट एज हेल्दी एज यू लाइक। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे, अंदाजन 3 प्याज ले लीजिए, और कुछ लहसुन की कलियां लेके उन्हें भी बारीक काट ले। और सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल के लहसुन को हल्का ब्राउन कर लें। लहसुन अब काफी ब्राउन हो गया है, गोल्डन हो गया है, तो इसके अंदर हम कटा हुआ वो बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इन दोनों को साथ में कुछ वक्त तक भूनेंगे। अब प्याज भी हल्का ब्राउन और सॉफ्ट हो रहा है, इसको कुछ समय और भूनेंगे। इसके अंदर अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और उस हिसाब से, क्योंकि आगे इसमें पालक और पनीर दोनों डलेगा, उस हिसाब से आप नमक डाल दें। और एक गट्ठी जो हमने पालक बारीक काट ली थी उसको अब इसके अंदर डाल देंगे। याद रखिए, पालक को अच्छे से धो लेना और फिर उसका सारा पानी अलग से निकाल देना, क्योंकि बाद में फिर पालक में जो पानी अगर बच जाएगा तो उसे सुखाने में और ज्यादा वक्त लगेगा। इसमें हमें जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इस पालक को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको मैं अब ढक दूंगी, क्योंकि फिर सारा पानी जो इसमें बचा है पत्तों में वो निकल जाएगा और धीरे धीरे हम उसे सुखा देंगे। अब इसमें काली मिर्ची का पाउडर डालिए और थोड़ा और भूनिए। पालक को काफी देर तक भूनना पड़ेगा, और जब तक ये भून रही है आप अपने पनीर को अच्छे से मैश कर लीजिए। अंदाजन 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, और उसे मैश करके रखेंगे, और फिर जब हमारी पालक तैयार हो जाएगी भूनकर और जरा भी उसमें पानी नहीं बचेगा, तो हम इस मैश्ड पनीर को उसके अंदर डालेंगे। अब आप देख रहे हैं पालक एकदम भून गए हैं और इसमें जरा भी पानी नहीं बचा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द पनीर टू इट। पनीर को हम पालक के साथ मिक्स करके आहिस्ता आग पे भूनेंगे। उसको काफी देर तक भूनना पड़ेगा, 10 मिनट अंदाजन, जब तक पनीर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए पालक में, सॉफ्ट हो जाए, और धीरे धीरे उसका रंग भी बदलने लगे, नीचे से ब्राउन आपको कढ़ाई दिखेगी, तब आप समझेंगे कि पनीर और पालक अच्छे से तैयार हो गया है और इसमें जरा भी पानी नहीं है। और ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम अपनी रोटी को तैयार करेंगे। ये हम थोड़ा सा बड़ी साइज की रोटी बनाते हैं। पालक पनीर का मिक्सचर रेडी है, और हम आमचूर को थोड़े से पानी में मिक्स कर लेते हैं, ताकि हम उसे मक्खन या बटर जैसे हम लगाते हैं रोटी में, वैसे उसे पहले बेस पे लगा देंगे। ये बहुत जरूरी है, इससे बहुत स्वाद आएगा। और इसके ऊपर हम जो हमारी तैयार पालक और पनीर है उसे हम अपने हिसाब से, बहुत ज्यादा स्टफिंग भी नहीं करेंगे,
अच्छी क्वांटिटी डाल देंगे और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम रोटी को फोल्ड कर देंगे जैसे हम फ्रैंकी को करते हैं दोनों साइड से, ताकि हमारा स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकले। बस अब एक लास्ट स्टेप रह गया है, तवे को गर्म करके उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाइए और फिर हमारी फ्रैंकी दोनों साइड से थोड़ी गोल्डन ब्राउन करनी है हमें, ताकि स्वादिष्ट और क्रिस्पी रहे वो। बस 2 मिनट और लगेंगे और हमारी स्वादिष्ट पनीर और पालक की फ्रैंकी या काठी रोल, जो भी आप कहिए, पूरी तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज डिलीशियस। बस सर्व करने से पहले आप इधर इसे काट के 2 पीसेस में कर लीजिए, ताकि वो खाने में आसान रहेगी। मैं ज़्यादातर उसे फॉयल या टिश्यू में रैप करके सर्व करती हूँ, या अगर आप स्टार्टर की तरह सर्व कर रहे हैं तो उसके 3-4 पीसेस भी कर सकते हैं। एंड इवन देन पीपल आर गोइंग टू लव इट। या अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं एज अ मील, तो उसको आप 2 पीसेस में काट के आराम से खाइए।